नमस्कार जी हाँ दोस्तों, एसएससी में आई नई भर्ती बहुत ही सुनहरा मौका है। आयु 18 से 35 वर्ष है और दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। यहाँ पर आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेके आए हैं जो 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए निकल रही है। वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे और किस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको ऑनलाइन करना है उसकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें तथा दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तथा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट की न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं या हम कहें कि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार से ब्लैक रंग में हो जाएगा, पास में लगा बेल आइकन, अब आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे ऑन जरूर करना वरना आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप देखें दोस्तों हम देख लेते हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं हम आपको इसमें एक एक जानकारी जो दी गई है वो बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आयु की। तो दोस्तों आयु है वो कम से कम यहां पर बताया गया 18 वर्ष है, यानी आपके पास कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो अधिकतम आयु जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए 35 वर्ष है और यहां पर इन वर्गों को छूट मिल रही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनको तो यहां पर अधिकतम आयु 40 वर्ष मिल रही है और इनको 38 वर्ष तथा इनको 37 वर्ष, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जनरल में है 18 से 35। आयु की गणना 1/8/2017 से होगी, 1/8/2017 को आपकी 18 से 35 साल के बीच ही होनी चाहिए। आप देखें दोस्तों यहां पर इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या बताया गया है पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। बात करें आरक्षण की तो आरक्षण भी यहां पर मिल रहा है, आप इसे पढ़ लीजिए, इन विद्यार्थियों को यहां पर आरक्षण दिया जाएगा। अब दोस्तों हम नीचे बात कर लेते हैं इसमें बताया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो विधि है वो। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन है वो www.jssc.in पर जाकर करना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन स्वयं ही कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप देखें दोस्तों हम बात कर लेते हैं परीक्षा का स्वरूप। तो दोस्तों परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार से होगा, लिखित परीक्षा होगी, चिकित्सा जांच परीक्षा होगी, वाहन चालक जांच परीक्षा होगी। क्योंकि दोस्तों ये पोस्ट है ये चालक के पदों के ऊपर, ड्राइवर के पदों के ऊपर भर्ती है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं। तो बात करें दोस्तों पदों की तो पद यहां पर आपको मिल रहा है वाहन चालक साधारण कोटि का, वेतन आपको लगभग 20,000 से 25,000 रुपए तक दिया जाएगा। यहां पर देखिए ग्रेड पे 2,000 का और वेतन 20,200 का, तो लगभग 22-23,000 के आसपास आपका वेतन यहां पर आसानी से हो जाएगा। बात करें योग्यता की तो योग्यता यहां बताई गई है 10वीं पास, यानी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आप होने चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बात करें कितनी वैकेंसी है तो दोस्तों वैकेंसी यहां पर आपको मिल रही है 85। यहां पर देखिए आपको ये कुल रिक्ति यहां पर 11 है और जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है वाहन चालक साधारण कोटि, इसमें यहां पर 73 वैकेंसी है, यानी दोस्तों इसके लिए लगभग 85 पद आपको मिल रहे हैं, 85 पदों की भर्ती है। आप आवेदन करके आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, 85 पदों को आप कम नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी भर्ती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विद्यार्थियों का ध्यान नहीं है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब बात करते हैं पात्रता की, तो पात्रता यहां बताई गई है, देखिए इसमें लिखा गया है कि उपर्युक्त खंडिका 2 में वर्णित पदों पर झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी आवेदन देने के पात्र हैं, यानी झारखंड के लोग इसके लिए आवेदन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं और शैक्षणिक योग्यता और न्यूनतम आयु अगर आपके पास है तो दोस्तों आप आवेदन जरूर करें। आप देखिए दोस्तों हम यहां पर दिखा देते हैं आपको आवेदन शुल्क कितना देना होगा, तो दोस्तों आवेदन शुल्क है वो भी यहां पर बताया गया है। देखिए बात करें अगर सबसे पहले यहां पर जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए तो वो है दोस्तों 800 रुपया, यहां पर आप देख सकते हो 800 रुपया आपको आवेदन शुल्क देना होगा। लेकिन दोस्तों परीक्षा शुल्क में यहां पर छूट दी जा रही है, देखिए झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन्हें आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपया ही देना होगा और वो भी दोस्तों आपको देखिए परीक्षा शुल्क अति अप्रतिदेय होगा, यानी आपको उल्टा नहीं दिया जाएगा, जो आपने आवेदन शुल्क दे दिया वो आपको वापस नहीं मिलेगा, रिफंडेबल नहीं है। बात करें ऑनलाइन आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है तो वो भी मैं यहां पर आपको बताया गया है। देखिए आपको हस्ताक्षर अच्छे तरीके से लगाने हैं, फोटो लगानी है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आवेदन कब से कब तक आप कर सकते हो, तो यहां पर देखिए आप 15 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, अभी शुरू नहीं हुए हैं। 15 अक्टूबर के बाद आप www.jssc पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट होगी 16/11/2018, 16 नवंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं।
सकते हैं रात के 11 बजे तक। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी जानकारी पढ़कर इसके लिए 15 तारीख के बाद कभी भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसके लिए आवेदन कर सके। और दोस्तों ऐसे ही अगर आपके राज्य में निकली हुई जॉब की जानकारी भी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। जय जय भारत।